तो 15 अगस्त तक बहुत ही बड़ा डिसीजन आ सकता है। आपको पता है कि 15 अगस्त तक ऐसा डेट है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा जेई मेन्स का, और अगर एडमिट कार्ड एक बार आ जाता है तो फिर जेई मेन को पोस्टपोन कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसी के साथ साथ नीट का भी यही डिसीजन है, क्योंकि जेई मेन और नीट का जो डिसीजन है वो एक साथ ही आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी डेट होने वाली 15 अगस्त तक अगर कोई डिसीजन नहीं आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब कोई भी चांसेस नहीं है नीट पोस्टपोन होने के। मैंने अपने चैनल पर एक पोल भी कंडक्ट कराया था जिसमें 8,000 वोट मिले थे, और 8,000 वोटों में से करीबन 85% बच्चों ने यही बोला कि हमें पोस्टपोनमेंट कराना है। पर 15% बच्चे ऐसे भी थे जिन लोगों ने इसका अपोज करा था, और उन्होंने ऐसा लिखा था कि हमें पोस्टपोन नहीं करवाना है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। आपको इसी बीच एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि HRD मिनिस्टर ने अभी अभी ट्वीट करा है कि किस तरह से जो आर्किटेक्चर की जो एग्ज़ाम होती थी BArch, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसे थोड़ा रिलैक्स करा गया है। मतलब कि 12th के जो नंबर पे बेसिस पे जो एडमिशन होते थे, और 12th में जितने आपको नंबर चाहिए होते थे 75%, तो ऐसे सारे क्राइटेरिया हटा दिए गए। मतलब आपको अब सिर्फ 12th पास होना है, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसका उसमें आपको अपियर होना है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आपके 12th के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो आपका 12th में जितने भी नंबर आए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका जो एग्जामिनेशन होने वाली है टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो एक छोटा सा अपडेट था आर्किटेक्चर के लिए, और ऐसा ही कुछ जेई और नीट के लिए भी करा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो काफ़ी सारे एग्जामिनेशन जो है हमारे देश में छोटे छोटे स्टेट में जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होती है, और जो जितने भी बोर्ड की एग्जामिनेशन से 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन वो उसको कैंसिल कर दिया गया, पार्शली कैंसिल। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसी कारण इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो यार यही था एक छोटा सा अपडेट, आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त तक अगर कोई अपडेट आता है तो ही आप समझिए कि जेई नीट पोस्टपोन होगा, या फिर उसके बाद आपको कोई भी होप नहीं रखना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।